फोटो खींचो वापस। इसलिए लगाते हैं, ये हमारा मल्टीपुल जैक है, ठीक है। मल्टीपुल जैक को इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कभी भी एलोंगेशन प्लस और माइनस 50 mm से अगर प्लस और माइनस होगा तो मुझे स्ट्रेस करना है या डिस्ट्रेस करना है। मिनिमम 50 mm से अगर प्लस माइनस करना है तो फिर हमको ये जैक यूज़ करना पड़ता है। जो भी डाटा होता है वो डिज़ाइनर हमको प्रोवाइड करते हैं और उस डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग इसका एलोंगेशन निकालते हैं, हमारा डिज़ाइन निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर प्लस 15 mm है तो कोई बात नहीं है, हम ये भी एक जैक लगाएंगे। अगर 15 mm मुझे माइनस करना है, कहीं पर डिस्ट्रेस करना है, तो भी हम यही जैक को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो स्ट्रेसिंग मेथड है कॉन्टेंट का, कॉन्टेंट में प्लस माइनस ज़्यादा होता नहीं, तो हम उसको करने के बाद में हमारा जो भी फोर्स रहता है उसके बाद में अगर डिजाइनर ने थोड़ा सा अगर लोड ज़्यादा बढ़ाता है तो फिर हमको अगर उसका एलोंगेशन 15 mm से कम है एज पर डीवी डेक मेथड, तो हम इसमें यही जैक को यूज करते हैं। अभी हमारा जो एलोंगेशन है इस जैक में 12.2 mm है, इसलिए हम 12.2 mm करने के लिए ये जैक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिए, ये हमारा है कि हमने जैक को लगा दिया, जैक हमारा इक्वल फेस पे लग गया है। यहाँ पे देखिए हमारे ऑलरेडी बैरिंग प्लेट में होल है, ठीक है, ये हमारे होल उसमें जाके कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जैक एग्जैक्ट अलाइनमेंट में बैठ गया। उसके बाद में हम पीछे से ये वेज लगा देंगे, ठीक है। अभी हम आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब ये हम लोग जो है वेज को फिक्स कर रहे हैं। हाथ हटा के बेटा घुसा एक, ये देखो, नहीं नहीं ये किनारे वाला, ये वाला तो घुसाओ, देखेगा ना तो प्रॉपर घुसाओ, सही से घुसा बेटा। ये इस तरीके से हम सारे बेज को अंदर में इंसर्ट कर देंगे। अभी प्रेशर दे रहा है इसमें कुछ, ठीक, कोई बात नहीं, ट्री के आसपास है, ठीक है। अभी इसमें से एलोंगेशन स्टार्ट हुआ, ये देखिए जो निशान आया है ना, हाँ। हम लोग इसी से मार्क करते हैं कि ये हमारा हो गया, इसमें यहाँ पे हमारा लिफ्टअप हो गया, ओके। इधर इस होल के पास में मार्क किया, हमारा हर होल एक होल 60 डिग्री पे है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, 45 mm, 360 डिग्री हम जब घुमाते हैं तो 8 mm का एलोंगेशन होता है, तो हम 360 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 45 डिग्री में हमारा 1 mm का एलोंगेशन होता है, ठीक है। ये 8 mm का हमारा पिच होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, कितना होगा, कितना डिग्री है, इसमें क्या है, अभी हमारा लैपटॉप है 163 बचा 3, इसको हम जो है ये मैं 35.43 इस फार्मूले के हिसाब से जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको बार में, तो मेरा इसके हिसाब से ये मेरा आएगा 35.43, एलोंगेशन हमारा आएगा 25.37, 25.37 मल्टीप्लाई बाई 44 1141 डिग्री, 1141 डिग्री हमको इसको रोटेट करना है 360 डिग्री, मतलब उसके हिसाब से हम इसको अब इसको टर्न करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट, ये आप लोगों को हम लोग रोटेट कर रहे हैं राइट साइड में, टर्न कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। ये कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें हम लोग का मतलब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जाएगा थोड़ा सा दिक्कत करता है। एक दो तीन स्टार्ट, ये देखो हम लोग घुमा रहे हैं, ये रिंग नट हमारा इसी तरीके से घूमता है,